नमस्कार मित्रों, मैं संजीव कुमार जायसवाल, आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर। मित्रों, ये आज हमारा दूसरा वीडियो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाउली का नियम। पाउली का नियम क्या होता है? एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान बराबर नहीं होता है, इसे ही हम पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। पाउली के अपवर्जन नियम का जो निष्कर्ष होता है, पाउली के अपवर्जन नियम के निष्कर्ष के अनुसार SPDF में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 6, 10, 14 हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या है? जिन संख्याओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन की दिशा, स्थिति, ऊर्जा आदि का निर्धारण होता है, उन संख्याओं को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या चार प्रकार की होती है। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं, इसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमारा है द्विगुंशी क्वांटम संख्या, इसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा हमारा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या को हम स्पिन क्वांटम संख्या बोलते हैं, इसे हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य क्वांटम संख्या क्या है। मुख्य क्वांटम संख्या वह क्वांटम संख्या है जो कोष को दर्शाती है, इसका प्रतिपादन बोर ने किया था। दूसरा हमारा है द्विगुंशी क्वांटम संख्या, द्विगुंशी क्वांटम संख्या यह संख्या उपकोष को दर्शाती है और इसका प्रतिपादन सोमरफेल्ड ने किया था। अगला हमारा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है? यह संख्या कक्षक को दर्शाती है, इसका प्रतिपादन लैंडे ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या क्या है? यह संख्या इलेक्ट्रॉन को दर्शाती है, इसका प्रतिपादन यूलेन बेक ने किया था। अब आते हैं हम क्वांटम संख्या निकालने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझते हैं। नोट नंबर हमारा 1 है, यल के मान, यल के लिए एस बराबर 0 होता है, एल के लिए पी बराबर 1 होता है, एल के लिए डी बराबर 2 होता है और यल के लिए यह बराबर 3 होता है। नोट नंबर हमारा दूसरा है, एल का मान SPDF पर निर्भर करता है। नोट नंबर 3 हमारा है, यम का मान माइनस यल से प्लस यल तक लिया जाता है। नोट नंबर हमारा 4 है, यदि तीर ऊपर की ओर हो तो हम +1/2 लेते हैं और यदि तीर नीचे की ओर हो तो -1/2 लेते हैं। आते हैं हम देखते हैं, जैसे हमको निकालना है, मान लीजिए ऑक्सीजन के चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p4। तो हमको लास्ट कक्षक का क्वांटम संख्या निकालना है। तो सबसे पहले लास्ट क्वांटम संख्या हमारा है 2p4। तो जो पहली संख्या रहती है उसको हम n मानते हैं, यानी n बराबर 2। उसके बाद जो ये p है, ये p l के मान पर निर्भर करता है। तो l बराबर p बराबर 1 होता है, यानी l बराबर 1 हो गया। फिर देखते हैं m का मान l माइनस l से प्लस l तक होता है, m बराबर -1, 0, +1। उसके बाद देखते हैं s, लास्ट क्वांटम संख्या जिसको हम चक्रण क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। तो s का यस देखते हैं, p लेते हैं, p में कितने कक्षक होते हैं? p में 3 कक्षक होते हैं। तो 3 कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन। सर्वप्रथम सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद जब इसका युग्मन होगा तो युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होंगे। तो ये 2, 3, 4, ये चौथा जो नंबर है एरो नीचे की ओर है, इसलिए s का मान -1/2 होगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब के लिए नमस्कार।